नमस्कार दोस्तों, एपिकल एग्री एकेडमी से मैं मनोहर धाकड़ आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा, इस एंटोमोलॉजी के अंदर हम जो अलग अलग प्रकार के जो कीट पड़ते हैं और फसलों के अंदर जो हानि पहुंचाने वाले जो अलग अलग कीट हैं और कुछ जो लाभदायक जो कीट होते हैं उनके बारे में आज बात करने वाले। साथ ही आज हम बात करेंगे कि जो पेस्ट होता है उस पेस्ट की अलग अलग जो कैटेगरी होती है, जिसमें लोग पढ़ते हैं की पेस्ट, मेजर पेस्ट, माइनर पेस्ट, स्पोरेडिक पेस्ट, ये अलग अलग प्रकार के जो पेस्ट होते हैं इनकी परिभाषाएं क्या होती है और ये इनको किस प्रकार से अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। साथ में ही एंटोमोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो एंटोमोलॉजी का क्लासिफिकेशन भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए हम शुरुआत करते हैं कि जो एंटोमोलॉजी हमारा जो सब्जेक्ट है इसमें इंसेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो जो इंसेक्ट या जो कीट विज्ञान होता है इसको अगर सिस्टमेटिक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि एनिमल किंगडम के अंदर, यानी कि जंतु जगत के अंदर और एनिमल किंगडम के अंदर जो फाइलम या जो संघ होता है उस फाइलम का नाम होता है आर्थ्रोपोडा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जितने भी इंसेक्ट होते हैं ये सब आर्थ्रोपोडा फाइलम या आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो एनिमल किंगडम या जंतु जगत के फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आने वाली जो क्लास होती है उस क्लास की इंसेक्टा क्लास के अंदर हमारे सारे जो कीट हैं वो आते हैं। तो हम लोग हमारे कीट को या जो फसलों के लिए हानिकारक और जो लाभदायक जो कीट होते हैं उन कीटों को इंसेक्टा क्लास में रखते हैं। इंसेक्टा क्लास का एक और नाम होता है हेक्सापोडा या छह पैर वाले सिक्स लेग इंसेक्ट। तो यहाँ पर इंसेक्टा के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्रीकल्चर में तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि आर्थ्रोपोडा जो फाइलम होता है संघ उसमें और कौन कौन सी क्लासेस आती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्थ्रोपोडा जो क्लास है, जो आर्थ्रोपोडा फाइलम जो होता है, इस आर्थ्रोपोडा फाइलम का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो आर्थो में एक शब्द है ऑर्थो। ऑर्थो जो होता है वो जॉइंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, संधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पोड़ा में एक शब्द है PODA, पोड़ा, पोड़ा यानी कि लेग। तो हम इनको संधियुक्त पाद या जॉइंटेड लेग कह सकते हैं। और आर्थ्रोपोडा के अंदर वो एनिमल आते हैं जिनमें संधियुक्त जोड़ीयुक्त पाद पाया जाता है। तो हम बोलेंगे कि जॉइंटेड एंड पेयर्ड अपेंडेजेस आर एनिमल्स कम्स अंडर दी आर्थ्रोपोडा। तो जिन जंतुओं के अंदर संधियुक्त यानी कि जॉइंट वाले और पेयर्ड यानी कि जोड़ियों में उपांग अपेंडेजेस पाए जाते हैं वो फाइलम या संघ आर्थ्रोपोडा में आते हैं। और यह मैं आपको बता दूँ, आर्थ्रोपोडा फाइलम एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा संघ होता है। और आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर सबसे बड़ी जो क्लास होती है वो इंसेक्टा क्लास होती है, जिसका नाम हेक्सापोडा भी होता है। यहाँ पर देखना है कि आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती है, कौन कौन से वर्ग आते हैं। तो देखिए, एक क्लास का नाम है इंसेक्टा जिसमें कि कीट आते हैं, इसका एक नाम होता है हेक्सापोड। फिर अरेकनिडा, और अरेकनिडा में मकड़ी, बिच्छू, स्पाइडर, टिक्स ये आते हैं। तो यहाँ पर हमने अरेकनिडा के अंदर स्पाइडर, माइट्स, टिक्स और स्कॉर्पियन का नाम लिखा हुआ है। और क्रस्टेशिया की हम बात करें जिसमें झींगा आता है, प्रान आता है, तो क्रस्टेशिया में श्रिम्प भी आते हैं और क्रेब्स भी आते हैं, क्रेफिश भी आती है और लॉबस्टर भी आता है, ये सब क्रस्टेशिया क्लास के अंदर आते हैं। और डिप्लोपोडा एक क्लास होती है, इस क्लास के अंदर मिलीपीड्स आते हैं। और मिलीपीड्स के बाद एक क्लास होती है काइलोपोडा या चीलोपोडा, और चीलोपोडा या काइलोपोडा के अंदर सेंटीपीड्स आते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि जो हमारे कीट होते हैं इन कीट का जो क्लास है वो होता है इंसेक्टा या हेक्सापोडा, लेकिन जो स्पाइडर यानी कि जो मकड़ी होती है, जो माइट्स होती है, वो कौन सी क्लास में आती है। ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्पाइडर ये जो माइट्स होती है वो अरेकनिडा क्लास के अंतर्गत आती है। फिर एग्रीकल्चर में जहाँ हम लोग फिशरीज पढ़ते हैं, मत्स्य पालन पढ़ते हैं, वहीं पर आजकल श्रिम्प कल्टीवेशन के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो जो श्रिम्प होते हैं वो काई में आते हैं, तो श्रिम्प तो होते हैं वो क्रस्टेशिया में आते हैं, यानी इनको झींगा के साथ पढ़ा जाता है। फिर हमारी खेती के अंदर हम बात करें तो कुछ कीट जो होते हैं जो जड़ों को खाने वाले होते हैं और उनमें बहुत सारे पेड़ होते हैं जिनको हम लोग मिलीपीड्स कहते हैं। तो जो मिलीपीड्स होते हैं ये मिट्टी के अंदर रहते हैं और पौधे की नाजुक जड़ों को खा जाते हैं, तो ये डिप्लोपोडा में आते हैं। और जो कान खजूरा होता है जिसको सेंटीपीड्स कहा जाता है, जिसमें सैकड़ों पेड़ होते हैं, सेंटीपीड्स का मतलब होता है सैकड़ों पेड़ वाले और मिलीपीड्स का मतलब होता है मिलियंस यानी कि हजारों पेड़ वाले, तो इसको सेंटीपीड को हिंदी में शतपदी कहते हैं, यानी सैकड़ों पेड़ वाले, और मिलीपीड्स को हम हिंदी में सहस्त्रपदी कहेंगे जिसमें हजारों पेड़ होते हैं। तो यहां पर ये जो क्लासेस है अलग-अलग जिसमें इंसेक्टा भी है, अरेकनिडा भी है, क्रस्टेशिया भी है, डिप्लोपोडा भी है और काइलोपोडा भी है, यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि पॉइजनस एनिमल
जहर वाले जो प्राणी होते हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर कहाँ कहाँ आते हैं, तो जहर वाले जो होते हैं एक तो अरेक्निडा में स्पाइडर और जो स्कॉर्पियन बिच्छू और जो मकड़ी होती है ये जहरीली होती है, तो पॉइजनस जो एनिमल है वो क्लास अरेक्निडा में आते हैं। और कुछ जो पॉइजनस होते हैं वो सेंटीपीड जो होता है, इसको कान खजूरा कहते हैं, वो भी जहरीला होता है। तो पॉइजनस एनिमल की बात करें तो दो क्लास आपको ध्यान रखना है, एक होती है अरेक्निडा जिसमें मकड़ी और बिच्छू आता है, और एक होता है काइलोपोडा जिसके अंदर सेंटीपीड या कान खजूरा आता है। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी एंटोमोलॉजी जो सब्जेक्ट है हमारा, इसके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो क्लास होती है इंसेक्टा, जिसका एक नाम है हेक्सोपोडा, इस इंसेक्टा क्लास के अंदर आने वाले जो कीट होते हैं इनके कैरेक्टर क्या है, इनके विशेष लक्षण क्या है, या कीटों के अंदर ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, हम लोग यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ द इंसेक्ट के बारे में बात करने वाले। तो देखिए मैंने यहाँ पर कुछ इनके विशिष्ट लक्षण या कैरेक्टर लिखे हुए, जिसमें से फर्स्ट लिखा हुआ है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है कि कीटों के शरीर के बाहरी तरफ एक काइटिन का कठोर कंकाल पाया जाता है, तो काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण जो है वो बन जाता है, और प्रोटेक्टिव लेयर बनने की वजह से ये इजीली अपने आप को सेफ कर लेते हैं, और ये कई प्रकार के जो इनको जो हानि होने वाली होती है उससे अपने शरीर को ये बचा लेते हैं। तो इनमें काइटिन का बाह्य कंकाल पाया जाता है जिसको काइटिनस एक्सोस्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट है इनकी बॉडी में डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि इनका शरीर जो होता है वो अलग अलग सेगमेंट में बटा होता है, जैसे कि हम इंसेक्ट की बात करेंगे तो इंसेक्ट में हेड, थोरेक्स और एब्डोमन, यानी कि सिर, वक्ष और उदर, तीन खंडों में इनका शरीर जो होता है वो बटा होता है। नेक्स्ट है हेक्सोपोडा लोकोमोशन। हेक्सोपोडा लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि इनके प्रचलन के लिए, इनके चलने के लिए, मूवमेंट के लिए छह पैर पाए जाते हैं, जिनमें से चलने के दौरान ये तीन पैर का इस्तेमाल करते हैं और बाकी जो तीन पैर होते हैं वो रेस्ट करते हैं, तो ट्राइपोडल लोकोमोशन इनमें पाया जाता है। तो पैर तो इनके अंदर छह होते हैं लेकिन चलते समय ये तीन ही पैर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी जो तीन पैर होते हैं वो आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर कभी ऐसा पूछा जाए कि इंसेक्टा में कितने पैर होते हैं, तो छह पैर होते हैं, इसलिए इनको षटपदी या हेक्सापोडा कहा जाता है। लेकिन चलने के दौरान, मूवमेंट के दौरान जो वाकई में इस्तेमाल में आने वाले पैर होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो तीन ही होते हैं। फिर हम बात करेंगे इनमें कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, तो कंपाउंड आई इनका विशिष्ट कैरेक्टर होता है इंसेक्टा का। तो इनमें सरल नेत्र जो होते हैं, सिंपल आई, उसके अलावा कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र भी इनके अंदर पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे इनमें ट्रेकियल रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन की जो क्रिया होती हो वो ट्रेकिया के द्वारा होती है, क्योंकि इनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता, और हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन को विभिन्न टिश्यूओं तक, विभिन्न ऊतकों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो काम है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को ले जाने का काम जो होता है वो ट्रेकिया करता है। तो इनमें रेस्पिरेशन के अंदर ट्रेकिया जो होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शरीर के सभी कोशिकाओं तक O2 डायरेक्ट जो है वो ट्रेकिया के माध्यम से पहुंचती है, क्योंकि इनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। और एक बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो O2 का कैरियर होता है, लेकिन इंसेक्टा में या जो कीट या जो कीड़े मकोड़े होते हैं इनके शरीर में O2 का सर्कुलेशन कौन करता है, तो चूंकि इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो फिर O2 के लिए यहाँ पर ट्रेकियल रेस्पिरेशन पाया जाता है। फिर बात करेंगे केमिकल कम्युनिकेशन। केमिकल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि कीटों में सूचनाओं को, मैसेज को देने के लिए, मैसेज प्राप्त करने के लिए रसायन को समझने की एक अद्भुत क्षमता होती है। आपने शायद पढ़ा भी होगा कि इनमें लैंगिक समागम के दौरान, सेक्सुअल जब ये मेटिंग करते हैं, तब फीमेल इंसेक्ट एक फेरोमोन हार्मोन रिलीज करती है जो मेल को अट्रैक्ट कर लेता है। और हम लोग कई बार देखते हैं कि किचन वगैरह में भी कहीं भी अगर थोड़ा बहुत भी कहीं शुगर वगैरह या मिठाई वगैरह कहीं खोली अगर पड़ी रह जाए तो वहाँ पर चींटियाँ आ जाती है, तो इनकी स्मेलिंग पावर जबरदस्त होती है। तो इनमें केमिकल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा पाया जाता है। और फिर एक अंत में एक इनका विशेषता होती है कि फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, यानी ये अपने आप को किसी प्रकार से अनुकूलित कर लेते हैं, किसी वातावरण में पनपने के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, जिसमें एक नाम दिया है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड मतलब इनके यूरिन में यूरिक एसिड पाया जाता है, और यूरिक एसिड कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं पाया जाता, तो यूरिक एसिड जो होता है वो सॉलिड यानी कि कठोर रूप में पाया जाता है। तो यूरिक एसिड होने की वजह से ये पानी की बचत कर लेते हैं, तो इनमें पानी की बचत करने के लिए जो नाइट्रोजनस वेस्टेज मटेरियल जो निकलता है पेशाब के अंदर वो यूरिक एसिड के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में निकलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये पानी की बचत करने के लिए ये यूरिकोटेलिक हो जाते हैं। और परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है
कि यूरिकोटेलिक जंतुओं के नाम बताइए। तो जितने भी इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, वो यूरिकोटेलिक होते हैं, और यहाँ पर यूरिक एसिड जो होता है वो इनकी बॉडी से जब निकलता है तो वो सॉलिड फॉर्म में निकलता है, यानी कि ठोस रूप में निकलता है, जो कि पानी की बचत करने के लिए होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यूरिक एसिड बर्ड्स यानी कि पक्षियों के अंदर भी निकलता है, और यूरिक एसिड जो होता है वो रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप के अंदर भी निकलता है। और जहाँ पर भी यूरिक एसिड बॉडी से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है वो वाटर कंजर्वेशन या पानी की बचत करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये एक प्रकार का एडेप्टेशन पाया जाता है। और दूसरा एडेप्टेशन इनके अंदर डाइपोज, डाइपोज का मतलब होता है इनके लाइफ साइकिल के अंदर एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें ये एडवर्स कंडीशन या प्रतिकूल वातावरण की जो अवस्थाएं होती है, मान लीजिए हाई टेम्परेचर हो गया है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, तापमान ज्यादा हो गया है, किसी भी प्रकार की जब एडवर्स या प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो ये अपने आप को कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में, इनएक्टिव फेज में छोड़कर चले जाते हैं और पड़े रहते हैं। तो वो जो इनकी सुसुप्त अवस्था होती है, डोरमेंसी स्टेज जो होती है, जिसकी वजह से ये एडवर्स कंडीशन को इजीली पास कर जाते हैं और सर्वाइवल करने के लिए ये अपने आप को निष्क्रिय अवस्था में ले जाते हैं, उसको डाइपास कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ अगर देखा जाए तो इंसेक्ट यानी कीटों की ये कुछ विशेषताएं थी। इसके अलावा भी हम अगर बात करें तो कीटों के शरीर की हम बेसिक और भी अगर विशेषताओं को देखें तो इनके शरीर में जब तीन खंड होते हैं तो सिर यानी कि हेड से इनके वन पेयर यानी कि एक जोड़ी एंटीना निकलता है, और सरल नेत्र और साधारण नेत्र यानी कि सिंपल आई और कंपाउंड आई, सरल और संयुक्त नेत्र दोनों इनके अंदर पाए जाते हैं। इनका जो वक्ष होता है, थोरेक्स जिसको अपन कहते हैं, उसमें तीन खंड होते हैं, प्रोथोरेक्स, मिजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, और यहाँ पर थोरेक्स से तीन जोड़ी यानी कि छह पैर निकलते हैं और दो जोड़ी पंख यानी कि चार इनके विंग्स भी पाए जाते हैं, जो कि मिजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से इनके विंग्स जो है वो डेवलप होते हैं, और इनके एब्डोमन में 10 से 11 सेगमेंट या खंड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने इंसेक्ट का बेसिक कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, ये पढ़ा है। अब हम बात करने वाले हैं कि हमारे एग्रीकल्चर के अंदर फील्ड क्रॉप में अलग अलग फसलों में जो इंसेक्ट लगते हैं, कीट लगते हैं, वो कौन कौन से ऑर्डर या कौन कौन से गण के अंदर आते हैं, अभी हम इसके बाद वो चीज़ देखने वाले हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कीट हैं जो एग्रीकल्चर में हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ कीट ऐसे जो लाभदायक यानी कि फायदा पहुंचाने वाले भी होते हैं, और जो कीट होते हैं ये कौन से गण या इनका ऑर्डर क्या है, और परीक्षा में कई बार कीटों के ऑर्डर या गण के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 9 ऐसे ऑर्डर या गण लिखे हैं जो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्व के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक ऑर्डर दिया है आर्थोप्टेरा, एक दिया है डिक्टियोप्टेरा, एक है आइसोप्टेरा, हेमिप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा और कोलियोप्टेरा। तो यहाँ पर ये जो 9 ऐसे ऑर्डर है या गण हैं, इनके अंदर कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, तो देखिए आर्थोप्टेरा की बात की जाए तो आर्थोप्टेरा ऑर्डर के अंदर लोकस्ट यानी कि टिड्डी आती है, ग्रास होपर यानी कि टिड्डा आता है, और क्रिकेट या झिंगूर जिसको कहते हैं ये कीट आते हैं। तो यहाँ पर लोकस्ट और लोकस सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया जिसका हम साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं, और हेरोग्लाइफस बेनी यानी कि ग्रास होपर, तो ये जो है ये आर्थोप्टेरा में आते हैं। चूंकि ये नुकसान करते हैं फसलों को तो इनको हम आर्थोप्टेरियन पेस्ट कह सकते हैं। तो परीक्षा में क्वेश्चन है कि आर्थोप्टेरियन पेस्ट का नाम बताइए, तो लोकस्ट और ग्रास होपर उसका एग्जाम्पल हो सकता है। फिर बात करेंगे डिक्टियोप्टेरा, तो डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर कॉकरोच और प्रेइंग मेंटिड आता है, तो प्रेइंग मेंटिड तो बेनिफिशियल इंसेक्ट माना जाता है, और कॉकरोच जो होता है ये अक्सर किचन के अंदर या घरों में जहाँ अंधेरा होता है, ठंडी जगह वहाँ पर पाया जाता है। तो कॉकरोच और ये डिक्टियोप्टेरा के दो एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर बात करेंगे आइसोप्टेरा, और आइसोप्टेरा में दीमक या टर्माइट या व्हाइट एंट या सफ़ेद चींटी आती है, तो दीमक का जो गण होता है वो आइसोप्टेरा होता है, और आइसोप्टेरियन पेस्ट या आइसोप्टेरिया के वो कीट जो नुकसान करते हैं तो आइसोप्टेरियन पेस्ट के नाम से टर्माइट या दीमक के बारे में आपको ध्यान रखना है। फिर बात करेंगे हेमिप्टेरा, तो हेमिप्टेरा जो है, देखिए हेमी का मतलब होता है हाफ यानी कि आधा, और टेरा यानी कि विंग यानी कि पंख, तो जो हेमिप्टेरा वाले होते हैं इनकी विशेषता होती है कि इनके पंख का आधा जो हिस्सा होता है वो कठोर होता है और आधा हिस्सा जो होता है वो फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इनके पंख में आधी आधी संरचना अलग अलग प्रकार की होती है, तो हेमिप्टेरा का मतलब ही होता है। और हेमिप्टेरा को 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया, एक होता है हेटरोप्टेरा, एक होता है होमोप्टेरा। हेटरो मतलब अलग अलग प्रकार के, होमो यानी कि एक जैसे। अब हेटरोप्टेरा में कौन कौन आता है, तो कॉटन बग को रेड कॉटन बग या कपास का लाल मतकुण भी कहते हैं, गंदी बग जो कि राइस में लगता है, धान में लगता है, लेप्टोकोराइज़ा और विरिगार्डिस, तो ये जो है गंदी बग। उसके बाद
पेंटेड बग, बगराड़ा कुर्सी फेरा जो कि सरसों में लगता है, तो पेंटेड बग, गंदी बग और कॉटन बग ये जो है ये हिट्रोप्टेरा में आते हैं। लेकिन अगर होमोप्टेरा की अगर बात की जाए तो होमोप्टेरा में कौन कौन आते हैं, तो लीफ हॉपर या पत्ती का फुदका, जिसमें धान के जो फुदके हैं ग्रीन लीफ हॉपर और ब्राउन लीफ हॉपर, वो व्हाइट फ्लाई यानी कि सफ़ेद मक्खी बहुत सारी फसलों में वायरस को फैलाने का जो काम है वो सफ़ेद मक्खी करती है, और एफिड यानी कि माहू, मिली बग और लेक इंसेक्ट यानी कि लाख कीट, और लाख कीट जो होता है ये रेजिन, एनिमल रेजिन का एक अच्छा स्रोत होता है, तो वो एक लाभदायक कीट होता है। तो इस प्रकार से हेमिप्टेरा को दो सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फिर हम बात करेंगे थाइसेनोप्टेरा, तो थाइसेनोप्टेरा में थ्रिप्स आते हैं जो कि प्याज के ऊपर अक्सर हम देखते हैं कि प्याज में हानि पहुंचाने वाले कीट का नाम, तो थ्रिप्स हम पढ़ते हैं, तो वो थाइसेनोप्टेरा में आता है। फिर लेपिडोप्टेरा की बात की जाए, बड़ा महत्वपूर्ण जो ऑर्डर है ये, क्योंकि फील्ड क्रॉप में सबसे अधिक हानि पहुंचाने वाला जो होता है वो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के कीट होते हैं। तो लेपिडोप्टेरा में सारे मॉथ, चाहे वो सिल्क मॉथ हो जाए, चाहे वो हॉक मॉथ हो जाए, चाहे वो पोटेटो ट्यूबर मॉथ हो जाए, या फ्रूट सकिंग मॉथ, जितने भी मॉथ हैं, मॉथ को हिंदी में शलभ कहते हैं, और बटरफ्लाइज जो तितलियाँ होती है वो यहाँ पर लेपिडोप्टेरा में आती है। और लेपिडोप्टेरा के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो रेशम कीट जो होता है सिल्क वर्म, जो कि रेशम के लिए, सिल्क के लिए हम लोग पालते हैं, वो सेरिकल्चर के लिए, वो लेपिडोप्टेरा के अंदर ही आता है। और फिर बात करेंगे डिप्टेरा, तो डिप्टेरा के अंदर घरेलू मक्खियाँ, हाउस फ्लाई जिसका नाम होता है मस्का डोमेस्टिका, वो यहाँ आती है। तो घरेलू मक्खी के अलावा फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी, गालमीज, गालमीज के बाद में मॉस्किटो यानी कि मच्छर, लीफ माइनर यानी कि पर्ण सुरंग, और हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी, तो ये मक्खियाँ जो है वो डिप्टेरा में आती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, कुछ मक्खियाँ ऐसी है जो डिप्टेरा में नहीं आती। अब देखिए हाइमेनोप्टेरा की हम बात करें तो हाइमेनोप्टेरा में मधुमक्खियाँ आती है। अब यहाँ पर मधुमक्खियाँ हैं, नाम के पीछे मक्खियाँ आ रहा है, लेकिन ये हाइमेनोप्टेरा में आती है। एंट्स मतलब चींटियाँ आती है, वेस्प यानी कि ततैया आती है, और साफ लाई आरा मक्खी आती है, और साफ लाई मस्टर्ड या सरसों या क्रूसीफेरी फसलों में लगती है। तो नाम के पीछे फ्लाई है, साफ फ्लाई आरा मक्खी, लेकिन सारी फ्लाई जो होती है वो डिप्टेरा में आती है। लेकिन मधुमक्खी और आरा मक्खी की हम बात करेंगे तो वो हाइमेनोप्टेरा में आती है। और अंत में लास्ट जो ऑर्डर है वो है कोलियोप्टेरा, और कोलियोप्टेरा में बीटल्स या विविल, बीटल्स को हम लोग भ्रंग भी कहते हैं और विविल्स को हम लोग घुन कहते हैं, और इसके लार्वा को ग्रब भी कहते हैं। तो मूंगफली का जो व्हाइट ग्रब होता है वो कोलियोप्टेरा में आता है, और स्टोरेज के जितने भी हमारे मैक्सिमम पेस्ट हैं, भंडारण के जो कीट हैं, वो सब कोलियोप्टेरा में अधिकतर आते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि कोलियोप्टेरा जो ऑर्डर है ये स्टोरेज पेस्ट यानी कि भंडारण के कीटों के अंदर आता है, और भंडारण के जो कीट है वो सब कोलियोप्टेरा में आते हैं। तो कोलियोप्टेरा वाले स्टोरेज पेस्ट अक्सर जो है ये नुकसान करेंगे, और लेपिडोप्टेरा वाले जो होते हैं ये फील्ड क्रॉप या फसलों को अंदर जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। बॉलवर्म की हम बात कर लें या टोबेको कैटरपिलर की हम बात कर लें, तो तमाम प्रकार के जो बिहार हैरी रोमिल कैटरपिलर की हम बात करेंगे, रोमिल सुंडी की, तो सारे के सारे जो कैटरपिलर या लार्वा हैं वो लेपिडोप्टेरा में आते हैं। तो यहाँ पर चूंकि इनके अंदर आने वाले जो एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, अगर ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहे तो वो पेस्ट कहलाएंगे। तो अगर मान लीजिए पूछे कि मौत जो होता है, हम बात करेंगे पोटेटो ट्यूबर मोथ या आलू का कंद शलभ, तो वो मोथ जो होगा वो लेपिडोप्टेरियन पेस्ट कहलाएगा। एग्जाम में आया था बॉल वर्म के बारे में, कि जो बॉल वर्म होता है जो कि कॉटन में लगता है, तो बॉल वर्म कौन सा पेस्ट है, हम बोलेंगे लेपिडोप्टेरियन पेस्ट है, क्योंकि वो लेपिडोप्टेरा में आता है और नुकसान पहुंचाता है, फसलों को हानि पहुंचाता है। तो इस प्रकार से इन ऑर्डर में आने वाले जो कीट हैं उनके मैंने नाम लिखे हैं, और ये फसलों को किस प्रकार से हानि पहुंचाते हैं, इनको हम लोग अलग अलग प्रकार से, अगर दीमक की बात की जाए तो आइसोप्टेरियन पेस्ट कहलाएगा, अगर यहाँ बात करें कि एफिड जो होता है वो हेमिप्टेरियन पेस्ट कहलाता है, अगर यहाँ क्वेश्चन आता है कि गालमीज जो होता है, गालमीज डिप्टेरियन पेस्ट कहलाता है, साफ लाई की बात करेंगे, आरा मक्खी की बात करेंगे, तो वो हाइमेनोप्टेरियन पेस्ट कहलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनके ऑर्डर के नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करेंगे कि जो पेस्ट होते हैं फसलों के, जो कीट होते हैं, ये जो पेस्ट है ये कितने प्रकार के पेस्ट हैं, और इनको किस आधार पर ये पेस्ट की जो कैटेगरी में रखा गया है, अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। साथियों अब हम बात करेंगे कि जो की पेस्ट होते हैं, जो मेजर पेस्ट होते हैं, जो माइनर पेस्ट होते हैं, या फिर जो स्पोरेडिक पेस्ट होते हैं, ये पेस्ट इनकी परिभाषाएं क्या हैं और इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, हमारी एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने चार डायग्राम बनाए हैं, एक की पेस्ट के लिए है, एक मेजर पेस्ट के लिए है, एक माइनर पेस्ट के लिए, और एक स्पोरेडिक पेस्ट के लिए। इसके अलावा एक पोटेंशियल पेस्ट भी होता है, फिर हम इन चार को समझ लें अच्छे से। देखिए यहाँ पर हम बात करें
की पेस्ट किसे कहते हैं? तो की पेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा नुकसान करने वाले, जो हमेशा से ही नुकसान करते रहे हैं उनको हम की पेस्ट कहते हैं। और की पेस्ट को समझने के पहले यहां पर इस चार्ट में देखिए, एक नाम लिखा मैंने डीबी, डीबी मतलब होता है डैमेज बाउंड्री, एक होता है EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल, और एक होता है GEP या जनरल इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन। देखिए DB डैमेज बाउंड्री मतलब जहां से क्षति या नुकसान करना आरंभ कर देते हैं उसको डैमेज बाउंड्री कहते हैं। EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल यानी आर्थिक क्षति स्तर, इन्हें इतना नुकसान कर देते कि आर्थिक रूप से हमें हानि होने लग जाती है उसको आर्थिक क्षति स्तर कहते हैं। और GEP जनरल इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन में होता है कि सामान्य जो उनकी जनसंख्या होती है, कीटों की जो संख्या होती है सामान्य जो अवस्था में, उसको GEP कहते हैं। तो की पेस्ट की हम बात करें परिभाषा, की पेस्ट क्या होता है? तो की पेस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे कीट जिनकी सामान्य जनसंख्या हमेशा EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल से हमेशा ऊपर ही होती है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कीट होते हैं ये जितने भी होंगे जब भी होंगे हमेशा जैसे ही फसलों में अगर ये देखे जाते हैं तो ये नुकसान ही करते हैं, यानी इन कीटों की उपस्थिति हमेशा आर्थिक रूप से हानि ही करती है। तो इन कीटों को जैसे ही अपन देखते हैं कि यहाँ खेत में ये वाले कीट आ गए, हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है और कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है। तो हम यूँ कहेंगे कि जब किसी कीट की जो संख्या होती है, पॉपुलेशन जो होती है, वो हमेशा आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर ही होती है हमेशा, ऐसे पेस्ट को हम लोग की पेस्ट कहते हैं। तो की पेस्ट के बारे में ध्यान रखना है कि इनकी सामान्य जनसंख्या जो रहेगी, जो जनरल इनकी पॉपुलेशन रहेगी, वो हमेशा आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर ही रहती है। तो ये सबसे अधिक नुकसान करने वाले कीट होते हैं जिनको हम लोग की पेस्ट कहते हैं। और यहाँ पर लेपिडोप्टेरा के जो कीट है, खास करके बॉलवर्म जो कि कपास में लगता है, डायमंड बेक मॉथ जो कि कॉल क्रॉप या फुल गोभी में लगता है, और पोड बोरर चिक पी में जो पोड बोरर होता है, ये जो कीट होते हैं ये की पेस्ट कहलाते हैं। और ये खेत में जितने भी होंगे हमेशा ये आर्थिक रूप से हानि ही करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या जो होती है इतनी ज़्यादा होती है कि आर्थिक क्षति स्तर के हमेशा ऊपर ही इनका लेवल पाया जाता है। जब बात करेंगे मेजर पेस्ट किसे कहते हैं, तो मेजर पेस्ट में देखिए की पेस्ट की जनसंख्या हमेशा आर्थिक क्षति स्तर के ऊपर ही थी, लेकिन मेजर पेस्ट में क्या हुआ, इनकी संख्या आर्थिक क्षति स्तर और GP लगभग लगभग दोनों बराबर बराबर ही होते हैं, यानी ये इनकी संख्या जो होती है वो आर्थिक क्षति स्तर के लगभग निकट या पास में ही होती है, और थोड़ी सी ही फेवरेबल कंडीशन अगर मिली इनको तो ये आर्थिक क्षति स्तर को पार कर जाते हैं। तो जब आर्थिक क्षति स्तर, इकोनॉमिक इंजरी लेवल और GEP जनरल इक्विलिब्रियम जो पॉपुलेशन होती है, ये दोनों लगभग लगभग एक साथ होती है, एक जैसी हो, तो ऐसे कीट को हम मेजर पेस्ट कहते हैं। और मेजर पेस्ट में सकिंग पेस्ट या जो रस चूसने वाले जो कीट है, खास करके चाहे वो माहू की बात कर ले, चाहे हम व्हाइट फ्लाई की बात कर लें, ये जो कीट होते हैं सकिंग पेस्ट, ये मेजर पेस्ट में आते हैं। और ये चूंकि आर्थिक क्षति स्तर के ठीक पास में होते हैं, तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है सडनली बहुत ही कम समय के अंदर ये इनकी संख्या बढ़ जाती है, और ये कम ही समय के अंदर आर्थिक क्षति स्तर इकोनॉमिक इंजरी लेवल को भी पार कर जाते हैं। तो इनके लिए फिर हमें सडनली एक्शन लेना पड़ता है। तो जो बहुत कम समय में अपनी पॉपुलेशन बढ़ा करके आर्थिक क्षति स्तर को क्रॉस करके ऊपर निकल जाते हैं उनको हम मेजर पेस्ट कहते हैं। यहाँ पर सकिंग पेस्ट यानी कि जो रस चूसने वाले कीट है वो इसके एग्जांपल हो सकते हैं। माइनर पेस्ट की जब बात करेंगे तो माइनर पेस्ट क्या होता है, तो माइनर पेस्ट का अगर GEP देखा जाए, यानी कि इनकी सामान्य जो संख्या होती है, जनरल जो संख्या होती है वो देखा जाए, तो वो DB और EIL दोनों से नीचे होती है। तो दोनों से नीचे है, अब अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाए यानी कि अनुकूल वातावरण अगर मिल जाता है, तो ये इनकी संख्या कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो DB को भी क्रॉस कर जाते हैं और EIL आर्थिक क्षति स्तर को भी क्रॉस कर जाते हैं। और इनको सिंगल एप्लीकेशन भी अगर हम कर देते हैं, यानी एक ही बार अगर हमने कंट्रोल के लिए कोई मेजर अपनाया है, तो इनकी संख्या वापस नीचे आ सकती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि माइनर पेस्ट होते हैं, माइनर पेस्ट मतलब जिनका GEP जिनकी सामान्य संख्या खेत के अंदर डैमेज बाउंड्री और EIL से हमेशा नीचे होती है, लेकिन फेवरेबल कंडीशन में ये इनकी संख्या कई बार आर्थिक क्षति को भी क्रॉस कर जाती है। जब बात करेंगे स्पोरेडिक पेस्ट क्या होता है, तो स्पोरेडिक का मतलब कभी कभार दिखाई देने वाले, हमेशा हमको दिखाई नहीं देते हैं। और स्पोरेडिक पेस्ट वो होते हैं जिनकी संख्या DB से बहुत नीचे होती है। तो सामान्य संख्या जो होती है वो आर्थिक जो क्षति स्तर होता है और जो क्षति की सीमा होती है डैमेज बाउंड्री, उससे बहुत नीचे होती है।
और अगर मान लीजिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है इनको तो ये सडनली वहां तक जाएंगे जिसमें आर्थिक क्षति को भी क्रॉस कर जाएंगे और फिर इनको कंट्रोल अगर हम करते हैं तो वापस इनकी संख्या नीचे आ जाती है। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि माइनर पेस्ट और स्पोरेडिक पेस्ट, इन दोनों पेस्ट को हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों की जो सामान्य संख्या होती है जीपी जो इनकी होती है जनरल इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन, वो हमेशा डीबी से भी कम होती है। लेकिन बात करेंगे जब मेजर पेस्ट की, तो मेजर पेस्ट की पॉपुलेशन डीबी से तो ज्यादा होती है लेकिन जीपी और आईएल लगभग लगभग बराबर होते हैं। तो ये डीबी डैमेज बाउंड्री से इनकी संख्या ज्यादा होती है और आर्थिक क्षति के ठीक नजदीक होते हैं ये, इनमें सकिंग पेस्ट आते हैं। और सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है की पेस्ट के ऊपर कि की पेस्ट किसे कहेंगे, तो जिसकी पॉपुलेशन जिसकी संख्या हमेशा डीबी और ईआईएल से हमेशा ऊपर ही रहे, हमेशा अबव ही रहती है और हमेशा सबसे अधिक नुकसान करने वाले जो कीट होते हैं वो की पेस्ट कहलाते हैं। अब इसके अलावा एक आता है पोटेंशियल पेस्ट, तो पोटेंशियल पेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि जब जीपी हमेशा डीबी और ईआईएल से नीचे रहे और किसी भी कंडीशन में वो EIL को क्रॉस नहीं करते हो उसको हम पोटेंशियल पेस्ट कहेंगे। तो पोटेंशियल पेस्ट के लिए अपन ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारी डीबी डैमेज बाउंड्री और ये EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल, तो जिनकी GEP यानी कि सामान्य संख्या जो होगी कीटों की वो हमेशा डीबी से नीचे रहेगी और फेवरेबल कंडीशन मिल गई, अनुकूल वातावरण मिल गया तो भी ये कभी भी किसी भी कंडीशन में EIL को क्रॉस कर ही नहीं पाए, इन्हें इनसे कभी भी आर्थिक रूप से हमें नुकसान नहीं हुआ, उनको पोटेंशियल पेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने की पेस्ट, मेजर पेस्ट, माइनर पेस्ट और स्पोरेडिक पेस्ट पढ़े। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम बात करेंगे रेसिस्टेंस, जो कि एक वर्टिकल रेसिस्टेंस होता है और एक हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस होता है। तो रेसिस्टेंस के ऊपर भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है जिसको हम हिंदी में प्रतिरोध भी कहते हैं। तो अभी इसके बाद हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथियों अब हम बात करने वाले कि जो रेसिस्टेंस होता है जिसको प्रतिरोध कहते हैं, ये कितने प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसको देख रहे हैं कि कितने प्रकार का हो सकता है और एग्जाम में यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली चीज तो ये कि रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो रेसिस्टेंस या प्रतिरोध का मतलब होता है वह गुण जिसकी वजह से इंसेक्ट किसी भी पौधे के ऊपर अटैक नहीं कर पाते और पौधा जो है वो अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। तो पौधे के अंदर जो प्रतिरोध क्षमता होती है, रेसिस्टेंस पावर, जिससे वो कीटों के आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है, उसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। और रेसिस्टेंस के लिए, प्रतिरोध के लिए जो वैज्ञानिक है वो पेंटर जो है, इन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था और बाद में इसको और भी अलग से डिफाइन करने वाले वैज्ञानिक मैक्सवेल थे। तो आपको मेन तो साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है तो पेंटर, और सेकेंड नंबर पर अगर देखा जाए तो मैक्सवेल यहाँ पर आएंगे। अब बात यह कि रेसिस्टेंस हम लोग यहाँ पर फिलहाल में दो प्रकार के पढ़ रहे हैं, एक का नाम होता है इकोलॉजिकल रेसिस्टेंस और एक का नाम होता है जेनेटिक रेसिस्टेंस। नाम से स्पष्ट है इकोलॉजिकल का मतलब होता है इकोलॉजी यानी कि एनवायरमेंटल, वातावरण की वजह से आने वाले रेसिस्टेंस को इकोलॉजिकल या पारिस्थितिकी प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पर कोई अनुवांशिक कारण जिम्मेदार नहीं होता है, लेकिन जब अनुवांशिक कारण जेनेटिक यानी कि जीन जिम्मेदार होते हैं रेसिस्टेंस के लिए तो उसको जेनेटिक रेसिस्टेंस या अनुवांशिक प्रतिरोध कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए इकोलॉजिकल जो रेसिस्टेंस होता है जो परिस्थिति की वजह से आता है, जो अनफेवरेबल कंडीशन या प्रतिकूल वातावरण की जो दशाएं हैं, मान लीजिए मॉइस्चर या पानी की कमी हो गई है, सूखा पड़ गया है, हाई टेम्परेचर हो गया है, प्लांट जो है वो हार्डी हो गया है, कठोर हो गया है, इस वजह से प्लांट के अंदर पानी की मात्रा कम हो गई है, उसकी जो सेल वाले वो डेड हो गई है, तो यहाँ पर इस प्रकार के रेसिस्टेंस जो होते हैं वो वातावरण की वजह से आते हैं, एनवायरमेंटल की वजह से आते हैं, इसमें कोई जीन इन्वॉल्व नहीं होता। तो इस प्रकार का जो रेसिस्टेंस होता है वो झूठा प्रतिरोध कहलाता है, जिसको स्यूडो रेसिस्टेंट कहते हैं। तो वातावरण की वजह से या एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आने वाले रेसिस्टेंस जो कि कम समय के लिए होता है और ये हेरिटेबल नहीं होता कि एक बार अगर पौधे के अंदर आ गया तो उससे प्राप्त होने वाले नए पौधे में भी आएगा, चूंकि तो वातावरण की वजह से आया हुआ है, तो ये झूठा रेसिस्टेंस कहलाता है। लेकिन जब बात करेंगे जेनेटिक रेसिस्टेंस जो कि जीन की वजह से, जीनोटाइप की वजह से आता है, तो जीन की वजह से आने वाले रेसिस्टेंट को जेनेटिक रेसिस्टेंस कहते हैं। और ये जो अनुवांशिक प्रतिरोध होता है ये अगली जनरेशन में भी चला जाता है, तो ये अगर एक वैरायटी के अंदर है तो डेफिनेटली वो अगली वैरायटी के अंदर भी जाने वाला है, उससे हम उस वैरायटी से जब नए नए जो बीज हम प्राप्त करेंगे उससे भी नया जब फसल लगाएंगे तो ये उसके अंदर भी जाएगा, चूंकि इसके अंदर जीन शामिल होते हैं। यहाँ पर इसके दो कैटेगरी हमने बनाई है, नंबर ऑफ द जीन एंड मेजर एंड माइनर जीन। देखिए नंबर ऑफ जीन का मतलब ये होता है कि रेसिस्टेंस में प्रतिरोध के लिए कितने जीन
जो है वो जिम्मेदार है, कितने जीनों ने उसके अंदर भाग लिया है। तो एक होता है मोनोजेनिक, एक होता है ओलिगोजेनिक। तो मोनोजेनिक का मतलब होता है जब रेसिस्टेंस किसी एक ही जीन की वजह से हो, रेसिस्टेंस इज ड्यू टू सिंगल जीन, एक जीन के कारण वो प्रतिरोध आया हुआ है उसको मोनोजेनिक कहेंगे। और यदि फ्यू यानी कि कुछ जीन, कुछ यानी कि एक से ज्यादा जीनों ने मिलकर के अगर रेसिस्टेंस को अगर वो लाए हैं तो उसको हम ओलिगोजेनिक रेसिस्टेंस कहेंगे। तो नंबर ऑफ जीन के आधार पर, जीन की संख्या के आधार पर रेसिस्टेंस दो प्रकार का होता है, मोनोजेनिक मतलब एक जीन के द्वारा लाया गया, और ओलिगोजेनिक मतलब कुछ जीन यानी एक से ज्यादा जीन मिलकर के उस प्रतिरोध को लाए हैं। अब हम बात करेंगे मेजर जीन और माइनर जीन। तो मेजर का मतलब क्या होता है, मेजर रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई रेसिस्टेंस किसी एक ही जीन की वजह से आता है उसको हम लोग मेजर जीन, और इसी को वर्टिकल रेसिस्टेंट भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वर्टिकल रेसिस्टेंट का एक और नाम क्या है, मेजर जीन रेसिस्टेंट। और मेजर जीन जो होता है वो किसी एक ही जीन की वजह से आता है और इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और एक ही जीन की वजह से है तो एक जीन को पहचानना बहुत आसान होता है। तो यहाँ मेजर जीन को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान होता है, तो यहाँ इसको आसानी से पहचान सकते हैं। तो मेजर जीन रेसिस्टेंट को, मुख्य जीन को वर्टिकल रेसिस्टेंट भी कहते हैं, और ये किसी पर्टिकुलर एक वैरायटी के लिए होता है, सभी के लिए नहीं होता। और इसको हम अगर एक और नेक्स्ट वाला पढ़ें माइनर जीन, तो माइनर जीन का मतलब होता है कि मेनी माइनर या स्मॉल जीन, छोटे छोटे बहुत सारे जीन ने मिलकर के वो रेसिस्टेंस डेवलप किया है जिसको माइनर जीन रेसिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे जीन शामिल होकर के इस रेसिस्टेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो इसमें चूंकि बहुत सारे जीन शामिल हुए हैं इसको हॉरिजेंटल रेसिस्टेंट भी कहते हैं। तो और इसको पहचानना आसान नहीं होता चूंकि इसमें बहुत सारे जीनों का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होता है, तो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट बहुत सारे जीनों का है, तो हर एक जीन को पहचानना यहाँ पर मुश्किल होता है। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि कौन से जीन की आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान होता है, तो मेजर जीन को आसानी से पहचान सकते हैं चूंकि एक ही जीन की वजह से वो प्रतिरोध आया हुआ है, और एक को पहचानना आसान होता है। लेकिन माइनर में बहुत सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और थोड़ा थोड़ा इफेक्ट सभी जीनों का होता है, इसलिए इसको पहचानना मुश्किल होता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर था रेसिस्टेंट, और वैज्ञानिक पेंटर ने इसकी अवधारणा दी थी। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि ये रेसिस्टेंस वाला जो टॉपिक मैंने आपको भी पढ़ाया है ये आपको समझ में आया होगा। एंटोमोलॉजी में आज के वीडियो में हम लोगों ने आपके लिए ये जो प्लान कर रखा था, इसके बाद अगर एंटोमोलॉजी में और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ऐसे कौन कौन से कीट हैं जो अलग अलग बीमारियों के लिए वेक्टर का काम करते हैं, या फिर कौन से कीट की डैमेजिंग स्टेज कौन सी है, कौन से कीट का सिम्टम्स या जो डैमेज है वो करता है, तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर जो है वो अवेलेबल करवा दूंगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे की वीडियो के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो चैनल है एपिकल एग्री एकेडमी उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, और एडीए की एग्जाम के लिए एंटोमोलॉजी के ऊपर मैं दो वीडियो बनाने वाला था, एक वीडियो मैंने आज बनाया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी एक और नेक्स्ट एक आध दिन में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। उसके बाद हम पैथोलॉजी के ऊपर भी वीडियो बनाने वाले हैं, और जेनेटिक्स के ऊपर भी वीडियो आपको मैं जल्दी ही प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। करें सच सपनों को।